नमस्कार। कहते हैं कहीं ना कहीं सुरखी विधानसभा क्षेत्र में कहते हैं कि चुनाव और राजनीति की अगर आहट देखी जाए तो चुनाव की आहट शुरू हो चुकी है। हम आपको बता दें सबसे बड़ी बात, जहां कहा जाता है सुरखी विधानसभा क्षेत्र राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत का क्षेत्र है, जहां पर लगातार जो है मंत्री और मंत्री के भाई और परिवार मेहनत कर रहा है, लेकिन यहाँ पर अभी कोई चेहरा सामने नहीं आया था। लेकिन राजकुमार धनोरा जो इस समय पर प्रचार प्रसार के लिए निकल पड़े हैं, सबसे बड़ी बात हम आपको बता दें, कहीं ना कहीं प्रचार की अगर बात की जाती है तो राजकुमार धनोरा ने अपना प्रचार शुरू कर दिया है। वहीं पर मंत्री भी गांव-गांव जाकर लोगों के बीच में समस्याएं सुन रहे हैं। उनके भाई हीरा सिंह राजपूत भी इस समय पर चुनावी बिगुल तो नहीं बजा है लेकिन जनता के बीच में जा रहे हैं। लेकिन यह सुरखी विधानसभा क्षेत्र में अब पता यह जानकारी मिल रही है कहीं ना कहीं राजकुमार धनोरा चुनाव लड़ेंगे और चुनाव का यह बिगुल जो है समय पर, अभी चुनाव को 1 से 1.5 साल के बीच में चुनाव होना है लेकिन सुरखी में चुनावी आहट शुरू हो चुकी है। आप देखिए तुम तक न्यूज की यह विशेष रिपोर्ट कलू खान रोहित पटेल के साथ में। आप देखिए तुम तक न्यूज की यह विशेष खबर। जनसेवा शिविर जो पूरे मध्य प्रदेश में लग रहे हैं, हमारे सुरखी विधानसभा के शिविर भी लग रहे हैं और हम लोग कोशिश कर रहे हैं। मैं स्वयं मुख्यमंत्री जनसेवा शिविर में जा रहा हूं। लोगों में बहुत ही खुशी है, गरीबों के चेहरे पे एक शांति है। कम वो काम जो कई सालों से नहीं हो पा रहे थे, कई वृद्ध जो 80 साल के हो चुके हैं उन्हें कई साल पहले मिल जाना थी। वृद्धावस्था पेंशन अब मिल रही है, विधवाओं को पेंशन मिल रही है, शौचालय बन रहे हैं, हमारे आयुष्मान कार्ड बन रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें संबल कार्ड बन रहे हैं। अगर 300 प्रकरण आते हैं तो कम से कम 250 प्रकरणों का निपटारा भी हो रहा है। बड़ा ही सुकून है, हम लोगों को भी सुकून मिलता है, गरीबों की मदद हो रही है। वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की जो मंशा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार। भाई साहब, अभी हाल ही में सोशल मीडिया में एक ऑडियो वायरल है, क्या सच्चाई है, क्या है यह मामला? सोशल मीडिया में लेके उनके गुलाब सिंह जी के बड़े मंझले हैं वो मूरत सिंह जी, उनने कुछ हमारे खिलाफ अशब्द चैट की थी, उसको संबंधित लेकर हमने भाई अगर हमारा बेटा कोई गलती करेगा तो कोई हमसे ही शिकायत करेगा, उसके नाते मैंने उनके पिताजी से कहा था कि भाई मतलब मर्यादा का पालन होना चाहिए, राजनीति अपनी जगह, उसको लेकर मैंने बात की थी उनसे। तो अभी आप जैसे नगर आए हैं, क्या कार्यक्रम है और आगे क्या रणनीति है? हम नवरात्रि की पंचमी से ज्वालामाई से हमने स्थानीय प्रत्याशी की मांग को लेकर जो जनजागरण यात्रा प्रारंभ की थी, उस यात्रा को लेकर हम गांव-गांव जा रहे हैं और उसी के आज हम जयशीनगर में भी लोगों से जनजागरण यात्रा के माध्यम से उनके बीच में आए और उसके साथ मुझे बीच में पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। उसके लिए मैं सुरखी विधानसभा क्षेत्र की जनता से न्याय भी मांगने आया हूं कि हमने क्या गलती की थी, कि जो परिवारवाद का माननीय प्रधानमंत्री जी की बात को भी मैंने आगे बढ़ाया कि भारतीय जनता पार्टी में परिवारवाद, भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचारवाद ये नहीं चलेगा। मैंने उसको भी आगे बढ़ाया, क्षेत्रीय प्रत्याशी की मांग की और यह क्या अनुशासनहीनता में आता है। तो और पूर्व में भी मैंने जब 2018 में भी यात्रा निकाली थी और स्थानीय प्रत्याशी की मांग थी, जब भी भारतीय जनता पार्टी की यहाँ से विधायक थी, जब उस समय क्यों नहीं अनुशासनहीनता हुई, आज वही मांग अनुशासनहीनता में कैसे आ गई? तो मैं इस सुरखी क्षेत्र की जनता से आज ये भी मांग करता हूं कि आप हमारा न्याय कीजिए, आप जो न्याय करेंगे वो मुझे स्वीकार होगा। आप सरपंच संघ के पहले अध्यक्ष रहे जी, तो मंत्री जी जब विधायक को कांग्रेस के कार्यकाल में जब आप थे तो कैसा अनुभव रहा? जब से 2018 से सुरखी विधानसभा से राजपूत जी मंत्री बने हैं, आप जाइए एक पंचायत सुरखी विधानसभा की ऐसी नहीं है जो इनकी इच्छा के बिना एक सरपंच 5 पैसे निकाल जाए, जो जे कहते हैं, जो काम जे कहते हैं और वो जो सूची बना दी जाती है कि यह काम इस गांव में जो जे घोषणा करते हैं वह काम होते हैं और वो काम भी इनके द्वारा जो दहेज में आए हुए लोग हैं उन्हीं के द्वारा कराए जाते हैं। सरपंच काम नहीं करता, एजेंसी सरपंच है लेकिन वह कह दिया जाता है कि इस गाँव में हमारा फलाना आदमी काम करे। आप देखो चाहे गेहूँ खरीदी केंद्र हों, चाहे मूँग खरीदी केंद्र हो, चाहे खाद वितरण केंद्र हों, सभी पर चाहे धान खरीदी के टोटल इनके साथ जो आए वही लोग काम कर रहे हैं, चाहे ठेकेदारी पूरी सुरखी विधानसभा में रोडों के हों, कछु भी जो ठेकेदारी के काम कर रहे हैं भी सब इनके लोग कर रहे हैं, मतलब पूरा
आपकी मंत्री भूपेंद्र सिंह जी से संबंध में चर्चा हुई थी? अभी भूपेंद्र सिंह जी बाहर थे, स्टेट से बाहर थे, अब वो लौटे आएंगे, हम उनसे इस संबंध में चर्चा करेंगे। चुनाव लड़ना निश्चित है आपका? हाँ, सुरखी से हम चुनाव लड़ेंगे ये निश्चित है, बिल्कुल।